उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने केवल प्रदेश को लूटने का काम किया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र के वादों को दोहराते हुए कहा कि 3 दिसंबर को सरकार बनते ही 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि जारी की जाएगी। महादेव सट्टा ऐप के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने महादेव भगवान को भी नहीं छोड़ा, सरकार बनते ही बाबा का बुलडोजर छत्तीसगढ़ में भी चलेगा। वही ग्रोथ अभी तक रही, लेकिन इस 5 साल में जैसे इस छत्तीसगढ़ को उजाड़ने का प्रयास किया, इसको लूटने का प्रयास किया, यहाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमा रही, केंद्र की हमारी मोदी जी की सारी योजनाओं से छत्तीसगढ़िया लोगों को वंचित रखा गया, यहाँ के आदिवासी समाज या अनुसूचित समाज या गरीब समाज या भोजपुरिया समाज, सभी लोगों को वो सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया। जो कि सबसे बड़ी सुविधा जो मैं, अगर आप लोग गोरखपुर आएंगे देखेंगे, 5 साल में हमने गोरखपुर में और मोदी जी की ये प्रधानमंत्री आवास की 18 लाख घरों की योजना तुरंत आप लोगों के समा 18 लाख मोदी जी की जो गारंटी है 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए उसको राशि को तुरंत दिया जाएगा और 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में घर घर में नल से सीधे पानी की उपलब्धता अवेलेबल करवाएंगे, ये गारंटी देते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को आम गरीबों तक इसलिए नहीं पहुंचने दिया क्योंकि उनको प्रधानमंत्री शब्द से चिढ़ है, उनको प्रॉब्लम है। जहां की विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, पूरे विश्व 17 के चुनाव बा उसके बाद 3 के जब सरकार बनी, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, भले उसकी कीमत 1200 हो, भले उसकी कीमत 1500 हो, 1800 हो, जो भी कीमत हो, 500 रुपए में भाजपा उसको दिया जाएगा। अब बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे घोटाले आप लोगों को पता है, कोयला घोटाला से लेके अनगिनत, कितना गिनवाई हो देखा, ईडी द्वारा इसमें प्रेस में बताया भी गया, सूर्यकांत तिवारी का नाम, आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, सुनील, 170 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी कुर्क भी कर ली गई, जो कि ऑफिशियल है, ये सरकारी चीजें हुई है और ये सिर्फ 5 साल में हुई। 5 साल में ये लोग लूट के बर्बाद कर दिए छत्तीसगढ़ को, खत्म कर दिए, एकदम नोच लिए, कहते ना निचोड़ के पी गए, भ्रष्टाचार की इतनी अति कभी किसी प्रदेश ने नहीं देखी थी जो छत्तीसगढ़ ने 5 साल में देखी। ये सबसे दुखद है, इसमें कोई राजनीति नहीं, सत्य है, जनता के हक को लूटा गया, जनता के साथ छत्तीसगढ़िया इतने भोले लोग हैं, उनके साथ विश्वासघात किया गया, अपनी सरकार के लालच में, अपनी कुर्सी के लालच में, ये इस बात का सबसे बड़ा दुख है। भाजपा की सरकार रही, ये कार्य छत्तीसगढ़ ने देखा, उसकी ऊंचाई छत्तीसगढ़ ने देखी 15 साल में, और ये 5 साल में छत्तीसगढ़ कितने नीचे गिर गया, कितना नीचे सरकार लेके बघेल जी की चली गई, ये आप लोगों से कुछ छिपा नहीं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले, उसको भी पता है, ईडी ने उसमें भी संपत्ति जब्त की है। और अब जो सबसे बड़ा है, आप लोग जानते हैं कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं, और ये मैं जहां भी कल प्रचार में गया, जनता चिल्ला के हमसे कह रही थी, महादेव ऐप का घोटाला, 3 दिन पहले दुबई में बैठ के उसका मालिक वीडियो बनाता है और उसने सीधे बात की, वो वीडियो में उसने साफ सरकार को जोड़ दिया, साफ मुख्यमंत्री को जोड़ दिया और उसका विजुअल। अब देखिए बंबई के फिल्म इंडस्ट्री में भी यहाँ की चर्चा, कहानी मिल गई, वेब सीरीज बन रही है, फिल्में बनने लगी, इतनी कहानियां इस 5 साल में यहाँ पर उपजी हैं यहाँ की सरकार द्वारा कि अब वहां पे सिनेमाकारों को कहानी ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, अब वो सब भूपेश सरकार पर, यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 5 साल के उन लोगों के पाप को, 5 साल के उनके घोटालों को, 5 साल उन्होंने जो विश्वासघात किया है उस पर अब फिल्में बन रही हैं बंबई में। न किसी ने हमने कहा, ये खुद वहां ट्रेन में आ रहे थे, हमको सब क्लिप्स भेज रहे हैं कि भैया हम लोगों को तो अनगिनत स्क्रिप्ट मिल गई है, अनगिनत कहानियों का ये लोगों ने एक आविष्कार किया है, जहां पर विश्वासघात, धोखा, फरेब, भ्रष्टाचार, महादेव के नाम को बेचना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और पूरी जनता इनको ऐसे सबक सिखाएगी, कल की वोटिंग में भी आप देख लीजिए, हम लोगों को जो फीडबैक आ रहा है, भाजपा के पक्ष में सारे वोट गिरे हैं, हम लोग जहां नहीं जीते थे, जहां हमारी सीटें नहीं थी, हम लोग वहां भी कल सीटें ले आ रहे हैं, कल की 72% वोटिंग
बता दे रही है कि जनता में कितना भूपेल सरकार के प्रति आक्रोश है। देखिए, मैं शिवराज सिंह जी के लिए मैंने नहीं, मैं आपसे बहुत अच्छा सवाल किया, मैं जब जनता में जाता हूं, चूंकि मैं जनता में गरीबी से आया हूं, मेरा इतिहास आप लोग जानते हैं, मैं गरीब पुजारी का लड़का और आज सुपरस्टार बना, सांसद बना, तो मैं दुनिया देखा हूं, दुनिया घूम के समझता हूं, जनता की आंखें पढ़ लेता हूं और उनका उत्साह पढ़ लिया। मध्य प्रदेश में वहां सरकार बन रही है, शिवराज सिंह चौहान जी बन रहे हैं, यहां पर मैं कल जितनी सभाएं कल हमने रात तक की और मैं जमीनी स्तर पर अभी भी करने जा रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यहां जनता सरकार बना रही है और यहां कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार यहां बन रही है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है और ये जनता त्रस्त होकर कर रही है। जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है, जनता ने आपके साथ धोखा किया है, उन्होंने 15 साल बाद एक होता ना कि एंटी इनकम्पेंसी, लेट मी ट्राई दिस, चलिए आई ट्राई दिस नाउ, मैं कांग्रेस को ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि वो मीठी मीठी बात में मुस्कुराते हुए ऐसे ऐसे बोल देना, और वही बहन बेटियों के हमारे प्रधानमंत्री 33%, अभी आपने देखा हम पार्लियामेंट में बैठे थे, महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, और यहाँ पर ये कोई बेटी को हम देखे, इनका वीडियो टीवी पे बड़ा चल रहा था, ए लड़की, ए बेटी, एक कसर, ए लड़की, ऐसी इस तरह से बदतमीजी यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यहाँ नारी